Good and Uzmi. Today's show is very special. It's all about English. Oh, today, especially today. Why? Because today is our guest. He belongs to Hollywood. Oh my God. Hollywood. Ladies and gentlemen. Very good. Put your hands together. The one and only Superman. Oh. Assalamu alaikum. Hello. ये तो सलाम कर रहा है. आप कह रहे थे इंग्लिश में बात करनी है? ये आपको उर्दू आती है सुपरमैन? अरे 1.5 साल से यहाँ पे फंसा हुआ उर्दू क्या आई मुझे नाल मेमनी में गाल करो तो मेमनी भी अच्छी थी. मेमनी कैसे आ गई? अरे भाई ये अपना बाकरा होटल है ना 18 हजार पे, ये तो मेरा स्टाफ है. हाँ, वहाँ के 3 बच्चे पकड़े में मैंने. एक बच्चा 1500 रूपए देती है मासी. 3 बच्चे लेके उड़ के उनको स्कूल छोड़ता हूँ, फिर वहाँ से उनको घर. मेमनी भी क्लियर है. बहुत अच्छे भाई. क्या करता फिर है? क्या करे भाई, हम तो आपको लाइन अप कर रहे हैं, कॉल भी नहीं उठा रहे आप. कहाँ से लाइन अप कर रहे हो? कॉल कैसे उठाऊ मैं, मुझे बताओ तो सही. कॉल क्यों नहीं उठा रहे भाई? अल्लाह के बंदे, तुम्हारी पॉडकास्ट के लिए निकला था घर से, रास्ते में बंदे मिले, लाओ भाई मोबाइल दे दो, लेके चले गए. सुपरमैन का मोबाइल छीन लिया. अरे भाई क्या कह रहे हो यार, ये क्या है, क्या हाल कर दिया सुपरमैन का, खुदाई का. शुगर हुई है क्या? हुआ है? नहीं शुगर नहीं. अच्छा, लोगों का बाईपास होता है, इसका अंडर पास हुआ है. हाँ, और काफी अंडर तक हुआ है. अच्छा, आपको पता है मोटे आदमी की इंसुलिन ऐसी होती है. हाँ, जो पतले आदमी को लगती है. ये क्या हो रहा है सुपरमैन? सुपरमैन को आपने क्या जलील करने के लिए बुलाया? कैसी बात कर रहा है, डांट नहीं रहे? अबे सुपरमैन क्या गुटखा भी खाता है क्या? लगने गुटखा खाते हैं यार, एक तो खाना पड़ेगा ना भाई. खाने को कुछ नहीं मिल रहा, ये एक फ्री में चीज मिल रही है. अरे इसको तो मैं जानता हूँ, मैंने इसकी सारी इंक्वायरी की है भाई. ये 1.5 साल पहले तुम आए थे ना? हाँ, 1.5 साल. सेहत थी इसकी? अरे ये बिल्डर था भाई. हाँ, बाहर के खाने खा के ये इसकी सेहत ऐसी हो गई यार. ये बाहर के खा के ऐसा खाना इतने खाए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला भाई तुम बाहर के खाने बहुत खा रहे हो, एक काम करो उड़ना छोड़ो, वॉक किया करो. फिर वॉक कर करके दोबारा ऐसा हो गया ये मजीद है. ये चड्डी ऊपर क्यों पहनते हो? अरे तो भाई लोगों को बताने के लिए ना कि भाई कौन सा कलर की पहनी हुई है चड्डी. अच्छा, वाह, तो फायदा अंदर पहन ली, किसी को पता ही नहीं चलेगा. तो भाई आप बता दो, हमें भरोसा है भाई, मैंने पहनी हुई, हम बोलेंगे ओके. ये हो सकता है कि अंदर आप पहन के करोगे भी क्या, मतलब वाली बात नहीं. अच्छा सुपरमैन भाई, ये आपकी अजदवाजी जिंदगी कैसे गुजर रही है? मतलब शादीशुदा जिंदगी. अच्छा, शादीशुदा जिंदगी, मैं समझा बाजी की जिंदगी. बाजी? हाँ, वो बाजी पैसे 2 दफा पैसे फंसाए उसके पास मेरे भाई. अच्छा, तो के पैसे नहीं दिया 2 महीने से. अच्छा, कंधे पे बिठा के ले जाते हो, गुद्दी पे चमाटे मारते हुए ले जाते बाजी को मुझे. अच्छा, क्या ही कितने दुख है इसके. अच्छा, आपकी बीवी आपसे तेज उड़ती है या वो आपके साथ, मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है? भाभी की स्पीड ज्यादा, यही तो उसको शिकायत है. अच्छा नहीं, पता क्या लोगों की होती है, अरेंज मैरिज, लव मैरिज. इसकी भी थी ग्लव मैरिज, भाभी ग्लव पहन के इसको टच करती थी. आए हाय, ऐसा है. और जब इसकी शादी हुई ना, लोगों ने इसको नाक पे हाथ रख के शादी का कवर दिया. व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस? ये आपने क्या मुझे जलील करने के लिए जुक्ते मार रहे हैं यार? अगला मुझे आई एम नेशनलिटी ऑफ यूएसए. यूएसए? या गुड. आप इंग्लिश, यू आर इंग्लिश? यस. मैं आपको इंग्लिश सिखाऊं? या ऑफ कोर्स. यू से इंग्लिश में एल फॉर लांती. एल फॉर लांती फॉर यू. कितने बच्चे हैं आपके सुपरमैन भाई? जी मेरे 11 बच्चे. अरे तेरे बच्चे? अरे क्या भाभी ने क्या डबल सिम लगवाई है? और हालांकि 1.5 साल से यहाँ पर है, बच्चे वहां और है. नहीं नहीं, ब्रॉड माइंडेड. अच्छा, कंबाइंड प्रोडक्शन है? कंबाइंड प्रोडक्शन. यार भाभी भी यही कह रहा है. अच्छा, भाभी भी यही भी है. लेकिन ये तो उड़ता रहता है उधर. तो बच्चे तो जमीन पे होते हैं क्या, आसमान पे? वो भी उड़ रहे होते हैं भाई. अच्छा. अरे भाई, बीवी मुझसे तेज उड़ती थी, अब 11 बच्चे हो गए, अब तो वो चल भी नहीं पाती. सही है यार, ये ख्याल करना चाहिए. नया काम ले आया, ख्याल करना चाहिए औरत का यार. आप है ना, लेकिन औरत अगर खुद ना चाह रही हो कि मेरा ख्याल करे. हाँ, सेहत का ख्याल करें. अच्छा, सेहत की बात है, मैंने इसके बारे में. अच्छा, इसने, आप यकीन करो, इसने 4 लाख की घड़ी ली, टाइम नहीं देख सकता. क्यों? मुंह नीचे करता, अंधेरा हो जाता है. आप ये पता ही, ऐसा कैसे हो गया? एक दफा इस पे आसमानी बिजली गिरी थी. हाँ, जब से इसका रंग उड़ गया, ये ऐसा हुआ था, कुछ हुआ था? हाँ, ऐसा हुआ था, आसमानी बिजली गिरी, मेरा रंग उड़ गया. आप जैसे मेंढक निकल के फुदकते हुए जा रहे थे, मैं ऐसा हो गया. अच्छा, आपको तो किसी ने जून जुलाई में भी नहीं कहा होगा यार, जरा छांव में आ जाओ. क्यों बोले सुपरमैन? ये सुपरमैन के आर्ट्स काउंसिल में बैठता है. अच्छा बात पता है क्या, मैं कितने भी गुनाह क्यों ना कर लूं, मेरी शक्ल इस जैसी नहीं हो सकती. बस ऐसी देखो, आपके लिए एक वेरिएशन है आपके. अच्छा, इसको देखे सिंघाड़ा याद है. अच्छा बात पता है कि आप इसको हल्का ना लो, इसके अपने तेल के कुएं. अच्छा, अपने तेल के कुएं में खुद ही गिर गया था. ऐसा हुआ था?
हाँ मैं पाइप डूब में गया था। नेशनल हीरो, नेशनल हीरो, यस यस, दुनिया मरती है मुझ पे। हाँ ऐसी बात है, यस ऑफ कोर्स डेफिनेटली। इंग्लिश खराब हो गई है पाकिस्तान में लेके, डेफिनेटली कह रहा हूँ, डेफिनेटली कह रहा है। तो यहाँ क्या क्या नौकरी की पाकिस्तान में, क्या क्या नौकरी आपने करने की कोशिश की? भाई मैंने बड़ी नौकरियां करने की कोशिश की, मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर बिजली के प्लांट लगाऊंगा, अपने लोगों को बिजली दूंगा, प्लांट लगाएगा मैं लोगों को गैस दूंगा। लेकिन यहाँ के लोग इस काबिल है ही नहीं भाई, भाई ये सुकून चाहते ही नहीं है। क्या चाहते हैं ये? परेशान जिंदगी चाहते है ये तुम्हारे जो लोग है ना, ये पता है किस चीज को तरक्की समझते? किस चीज को? ये समझते ट्रांसफार्मर गली में आ गया ये तरक्की हमारे लिए, रोड बन गया ये तरक्की हमारे लिए, गटर के ढक्कन आ गए ये तरक्की हमारे लिए। तो ऐसे लोगों पे अच्छे हुक्मरान नहीं, ठेकेदार ही मुसल्लत होते हैं। ओए ओए ओए, ये सुपरमैन तो भाई अगले इलेक्शन में खड़ा होगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा इसको देखकर ऐसा लग रहा है 4-5 गुना इकट्ठा करके एक माजून बनाया। अच्छा मैंने इसकी सारी इंक्वायरी की है यार, ये पहले हॉकी के कारखाने में काम करता था। yes. हॉकी बनाता था? नहीं नहीं, हॉकी बनती कहीं और थी, ये सिर्फ उसको आगे से मोड़ता था। हाँ, पीछे की तरफ करके मतलब यूं करके, पीछे मशीन थी ना, यूं करके मोड़ता था। हाँ, अच्छा ये पहले नहीं भाई, क्या हो गया? मोड़ता था हॉकी? अरे दांतों से मोड़ता था, जब तो दांत टेढ़े हो गए, हॉकी मोड़ना आसान था। आपके मुंह की जगह कहीं और भी दांत है? हाँ, मतलब कहीं और भी है। अच्छा ये पहले पुलिस में भी नौकरी करता था, उन्होंने इसको निकाल दिया। अच्छा पुलिस वाले जो चोरी की गाड़ियां पकड़ के लाते थे ना, ये उनको रेंट पे देता था। बताना मैंने तो सारी इंक्वायरी कर चुका हूँ यार मैं, तो भाई इसके बारे में। भाई 2 महीने पहले चिड़ियाघर गया, चिड़ियाघर वालों ने इसको मार मार के बाहर निकाल दिया। क्यों? जराफे को देखकर कह रहे तेरी गर्दन में बड़ा सरिया है भाई। ये हरकत भी तो ऐसी करता है, अपनी कमर पे झाड़ू बांध के कह रहे मुझे मोर बोलो। हाँ, और मुझसे कह रहे वंस मोर बोलो। अरे अपने कानों पे मोजे पहन कर कह रहे मुझे खरगोश बोलो। अपने मुंह पे लोटा पहन के कह रहे मुझे हाथी बोलो। हरकतें देखो यार, मैं इसके घर गया 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले आपके घर आया था मैं, वो मुझे कह रहा मेरे मेहमान, वो फूल झाड़ू नहीं होती उसमें चीनी डाल के कह रहे सवैया खाओ। मैं इसके घर गया, इसके भाई के दोनों हाथ कटे हुए थे। मैंने बोला तेरे भाई के दोनों हाथ कैसे कटे? ये क्या कर रहा है? इसने सऊदी अरब से किताब चोरी की थी, सऊदी अरब वालों ने इसके दोनों हाथ काट दिए। अच्छा इसके दूसरे भाई की उंगली कटी हुई थी, मैंने पूछा इसकी उंगली कैसे कटी? ये क्या कर रहा है? इसी ने तो बताया था, वो रखी है किताब। बताना अहमद चार, अब जो उसकी उंगली कट गई, अब वो उंगली कैसे इस्तेमाल करता है, मतलब बगैर उंगली के कैसे हाथ इस्तेमाल करता है? जैसे आप करते हैं यार। मैं कह रहा हूँ सुपर हीरो है यार, चुकते मार मारे उसका मुंह सुजा दिया आपने। दिस इज वेरी टू मच, रिस्पेक्टफुली दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट। मैं थक चुका हूँ इन लोगों से, कहो कि जुक्तेबाजी खत्म करे, सीधा इंटरव्यू लेके मैं क्यों आया हूँ? जुकते ही जरूरी है, क्योंकि मुझे, मैंने आपके बारे में इंक्वायरी हासिल की, आपके मैंने किताब पढ़ी है, डॉक्टर को जाके कह रहे मेरे गैरत का टेस्ट करो, रिपोर्ट नेगेटिव आई, डांस करने लग गया। देखो यार इसको एक बंदे ने हॉस्पिटल से आकर कहा आपके चचा बहुत सीरियस है, क्या कर रहे, क्या बात कर रहे हो यार, वो तो बड़े जॉली है। पता है ये सुपरमैन बेचारा बच्चों को लेके उड़ता था ना कमर पे, हाँ इसके यहाँ कमर में चुका गई थी, वो क्या हुआ था आपके कमर में चुका गई थी? हाँ भाई मैं लालू खेत से उड़ रहा था, हाँ एक बच्चे ने लंगर मारा, हाँ उसका लंगर मेरे लंगर में अटक गया। फिर? अरे फिर क्या, वो अपना लंगर खींच रहा था, मैं अपना लंगर खींच रहा था, इस चक्कर में मेरी कमर में चुका गई। फिर क्या, आप डॉक्टर के पास गए? नहीं, हकीम के पास गया। हाँ। हकीम के दोनों हाथ नहीं, अब वो मुझे मरहम लगा रहा, मैंने मरहम कैसे लगा रहा भाई, तेरे तो हाथ ही नहीं है। अरे याद आया, कुछ याद आया यार, याद आया। बोलो यार एक सेकंड, हकीम के दोनों हाथ नहीं है, वो मरहम कहाँ से लगा रहा था? अरे उसने बंदा रखा हुआ था यार। अच्छा पीछे की तरफ रखा हुआ था, हाँ। वो बंदा नजर नहीं आता था किसी को, हाँ। वो बंदा कहता मैं पीछे ही रहूंगा, हाँ। अच्छा मैं समझता था इसका सिर्फ दिमाग ही खराब है, तो पूरा का पूरा बंदा ही खराब है यार। तो फिर आपको उस हकीम की आदत लग गई होगी? नहीं क्यों लगेगी, मरहम की आदत लग गई होगी, क्यों लगेगी? आप ढूंढते होंगे ऐसे बंदे जिनके हाथ ना हो ताकि आपको मरहम लगवाने में आसानी हो। यार आप मुझे क्या समझ रहे हैं, वही जो हकीम समझा था। अच्छा ये सही बोल रहा है, ये होता है, मैं भी एक हकीम के पास गया ना, मैंने कहा हकीम साहब जब मैं सुबह सो के उठता हूँ मुझे चक्कर आते हैं, हकीम साहब क्या करें, लो मुझे यहाँ बैठे बैठे आते हैं। प्रॉब्लम होता है ना यार, ये प्रॉब्लम होता है, उन्होंने दीवारों पे लिखा होगा। हाँ ना, ये सब प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, हालात की वजह से। अब आप देखे ना, एक शौहर अपनी बीवी की तस्वीर लगाई उसने बीच में, एक घंटे से छुरी से निशाने लगा रहा है और निशाना नहीं लग रहा, अचानक उसकी बीवी का फोन आ गया, करी जानू क्या कर रहे हो, बोला मिसिंग यू। ये किस वजह से हो रहा है, ये हालात की वजह से, वो सुपर हीरो है, कुत्ते का बच्चा बना दिया उसको। हालांकि सही कह रहे हो, आपकी बीवी आप पे तशद्दुद करती है बहुत? किस तरह से? हाँ अच्छा उल्टा है, मतलब बीवी करती है तशद्दुद? बीवी करती है जी, बिल्कुल करती है भाई। तो मतलब अच्छा। ये क्या आपकी बीवी क्या मेल है क्या है? यार सुपरमैन ने आपको फिल्मों में देखा, आपका रंग तो बड़ा गोरा है यार ये। हाँ हाँ, आप यहाँ धुएं की वजह से हो गया ना, पोल्यूशन की वजह से, ये इतना रंग काला कैसे हो गया? अबे भाई तुम रोड पे निकलो तो सही, आधा आधा घंटा ट्रैफिक में बंदा फंस जाता है, कभी पैदल भी चलना होता है।
किसी रक्षे को देखो, उसका काला धुआं, सुजुकियां, डबल सिलेंडर, फट 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 फट, अरे मुंह क्या बेड़ा गर्क कर दिया, फेफड़े तक काले हो गए मेरे तो। इस सुपरमैन को देख के लग जाते वीगो का साइलेंसर। यार ये सुपरमैन यार।